हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों विकास सक्सेना और आप देख रहे विकास जी टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आई प्रोटेक्ट ऐप क्या है, इसे कैसे यूज करेंगे। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। 4 स्टार की रेटिंग है, 5 लाख प्लस डाउनलोड भी है। फ्रेंड, इस एप्लीकेशन से आप अपने आँख को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं आप अपने आँख को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे या कैसे यूज करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना होगा और इसे आपको ओपन कर देना होगा। तो चलिए इसे ओपन कर देते हैं और जानते हैं कि आप इसे कैसे यूज कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, इसे ओपन कर देना होगा। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे लेट्स गो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर टाइप कर देना होगा। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे, यहाँ पर लोडिंग होने लगेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, लोडिंग होने देते हैं। लोडिंग होने के जस्ट बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड स्किप कर देना होगा। जैसे आप ऐड स्किप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको क्या क्या परमिशन देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, अलाउ परमिशन वाले ऑप्शन पे टाइप कर देना होगा। जैसे आप अलाउ परमिशन वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इनेबल हो गया है। अब यहाँ पे फिर से आपको अलाउ परमिशन वाले ऑप्शन पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे टाइप करेंगे, अब इस एप्लीकेशन को अलाउ कर देना होगा। जैसे आप अलाउ कर देंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके फोन में इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से आपको अलाउ परमिशन वाले ऑप्शन पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे टाइप करेंगे, अब यहाँ पे यह एप्लीकेशन आपको ढूंढ लेना होगा। यदि आप चाहते हैं कि यह एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले पे देखने को मिले, तो आपको क्या करना होगा, इसे आपको यहाँ पे ढूंढ के अलाउ कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे यह एप्लीकेशन मिल चुका है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस पे आपको टाइप कर देना होगा। जैसे आप इस पे टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको एक बार फिर से अलाउ कर देना होगा। जैसे आप अलाउ कर देंगे, अब यहाँ पे आपको बैक कर देना होगा। जैसे आप बैक कर देंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा मोड देखने को मिल जाएगा कि आप किस लाइट में आप यह फोन चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग लाइट देखने को मिल जाएगा। यदि आप मून नाइट में आप चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मून नाइट में आप चला सकते हैं। कैंडल के सामने चलाना चाहते हैं, तो आप कैंडल के सामने भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे शाम के समय यह फोन चलाना है, तो यहाँ पे आपको सूर्यास्त का टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे यदि आप लाइट के सामने चला रहा चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस लाइट में अपना फोन चलाना है। यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे सनलाइट में आप चलाना चाहते हैं, आप यहाँ पे सनलाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप ट्यूबलाइट के सामने चलाना चाहते हो, आप यहाँ पे ट्यूबलाइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप ब्राइटनेस तेज करना चाहते हैं या धीमा करना चाहते हो, अपना यहाँ पे ब्राइटनेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे मोर आई केयर फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको नॉर्मल मोड मिल जाएंगे। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अपने फ़ोन से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग मोड आपको देखने को मिल जाएगा, डार्क मोड आपको देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेस मोड आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिडनाइट आपको मोड देखने को जाएगा। तो आप यहां पे अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना फोन आप यूज कर सकते हैं, आपकी आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब।